टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत। दिवाली से पहले महंगाई का झटका, गैस की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने की आशंका। आरएलडी का किसान सम्मेलन रद्द, लगाई गई धारा 144, गवर्नर सत्यपाल मलिक को होना था शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भारत के टुकड़े टुकड़े करने पर तुले हुए हैं, शशि थरूर पर भड़की बीजेपी। भारतीय टीम के साथ वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे मोहम्मद सिराज और तूफानी तेज गेंदबाज उमरान मलिक। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर श्रावस्ती जनपद से है, जहां किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता ने कहा कि 26 नवंबर को किसानों की समस्याओं पर एक बड़ा आंदोलन होगा, जो कि प्रदेश स्तर पर राज्यपाल और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार सभी संगठनों पर केवल दबाव बनाने का काम कर रही है और जमीनों को लूटने का काम किया जा रहा है। किसानों को दिक्कत बहुत हो रही, पूरे प्रदेश में गन्ने का एक बड़ा इशू है, जहाँ गन्ना की बेल्ट है, भुगतान नहीं हो पा रहे, यहाँ पे भी एक भुगतान नहीं हो रहा, दूसरा खरीद नहीं हो पाती, खरीद बहुत सस्ते रेट में फसलों की खरीद होती है, खासकर का भी धान आ जाएगा तो MSP से नीचे पे बिकेगा। भारत सरकार से जब बातचीत हुई और दिल्ली का आंदोलन था, वो इसी उस पर था कि MSP गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। अभी नहीं हो पढ़ना तो उसी के लिए बड़ी मीटिंगें चल रही है। जल भराव की समस्या है, फसल खराब हो जाती है तो बीमे से लाभ नहीं मिलता, ये बड़ी समस्या है। बिजली की है, अगर बिजली के जहाँ पर ट्यूबवेल हैं, सरकार ने कहा कि बिजली फ्री देंगे, लेकिन अब किसान के जो खेत हैं उस पर मीटर लगाने शुरू कर दिए, मीटर में कोई फ्री बिजली कैसे आएगी वो सरकार नहीं जवाब दे रही, तो उसके लिए बड़ी पंचायतें पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में चल रही, MSP के लिए एक बड़ा आंदोलन देश में होगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में अमेठी के बॉलीवुड गीतकार मनोज मुंतशिर को फिल्म साइना के गीत मैं परिंदा क्यों बनूं के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसके बाद मनोज ने अपना ये सम्मान अमेठी और गौरीगंज को समर्पित किया है। मनोज मुंतशिर की इस उपलब्धि पर अमेठी गर्वित और हर्षित है। महाराजगंज जिले के फरेंदा ब्लॉक में वनटांगिया भारी वैसी में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक दौरे पर रहे। इस दौरान महिला स्वास्थ्य कर्मी डिप्टी CM ज्ञापन देने जा रही थी, तभी महिला स्वास्थ्य कर्मियों के हाथ से महिला दरोगा ने ज्ञापन छीन लिया, जिस पर महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने आक्रोश जताया। उसके बाद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने गाड़ी रोक कर महिला स्वास्थ्य कर्मियों की समस्या सुनी और पुलिस कर्मियों को फटकार लगाई। हम लोग की वैकेंसी आई थी 9212 वैकेंसी आई थी, उसमें से 8831 लोग सेलेक्ट हुए हैं, वो उसका रिजल्ट आया था 6 अगस्त को सर। हाँ, तो ये सर सरकार की एक 100 दिन के कार्य योजना में शामिल थी, लेकिन सर अभी भी हम लोग की ज्वाइनिंग 1.5 महीने हो गए, रिजल्ट आया लेकिन अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है सर। आप लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे? जी सर, आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ज्वाइनिंग का मामला है, UP SSC की वैकेंसी है ये,
और इसमें इसका जो रिजल्ट है वो 6 अगस्त को आ चुका है। बस हम लोगों का निवेदन है सर से कि हम लोगों की ज्वाइनिंग कराई जाए, ज्वाइनिंग जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराई जाए। हम लोग बहुत दूर से यहाँ हैं, संविदा पे कार्यरत हैं सर। तो आप लोग की वार्ता हुई मुख्यमंत्री से, जी जी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से परेशान ना होइए, हम जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराएंगे और उन्होंने मेरा नंबर भी लिया है। खबर अलीगढ़ से है जहां एएमयू गजट पर छात्रों ने आपत्ति जताई है। वहीं छात्रों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पीएम मोदी की 12 तस्वीरों की तुलना में सर सैयद अहमद खान की केवल एक तस्वीर दो स्थान पर है। साथ ही छात्रों ने इसको लेकर कुलपति से सवाल पूछे हैं कि कोरोना महामारी के दौरान विश्वविद्यालय की टीचिंग और नॉन टीचिंग कर्मचारियों की मौत का तो जिक्र क्यों नहीं है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो गज़ट शाया हुआ है, उस गज़ट को अगर स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहे, यहाँ के तलबा अगर पढ़ना चाहें, तो वो उन्हें कहीं मिल नहीं रहा है। पीआरओ ऑफिस जाकर के भी जाके देखा गया तो वहाँ पर भी नहीं मौजूद है। एमयू की जो एमयू का जो साइट है वहाँ पर भी नहीं मौजूद है। तो अगर हम इसे पढ़ना चाहें तो हम कहाँ से पढ़ें, एक। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना और पहचाना जाता है, जो इसका मोनोग्राम है, आपने देखा, आप देखेंगे कि गज़ट का जो पहला हिस्सा है उसमें अल्लमल इंसान मालम यालम को वहाँ से हटा दिया गया है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप इसको हटा करके ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम किसी खास आदमी से हम अपने आप को कनेक्टेड कर रहे हैं या उनकी इस यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। शुशी सुमारा यूनिवर्सिटी ने निकाला है, इंतज़ामिया ने, वो कहीं मिल ही नहीं रहा है। बहुत मशक्क़त के बाद में कहीं से हमको हासिल हुआ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑब्जेक्शनेबल है। शुशी सुमारे में सर सैयद की सिर्फ एक तस्वीर के अलावा कोई तस्वीर मौजूद नहीं है, ना ही किसी के बारे में कोई जिक्र है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो झूठ पर मुश्तमिल है। झूठ मैं आपको बताता हूँ, इसमें दो झूठ हैं। एक तो ये है कि वाइस चांसलर ने रजिस्ट्रेशन और फर्स्ट कोविड का जो वो हुआ था, उसको आप कहते हैं वैक्सीन का जो ट्रायल था, वो ट्रायल में फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कराया था, ये बात सच है। लेकिन झूठ ये है कि ट्रायल से विड्रॉ भी वाइस चांसलर ने किया था, जो कि इसमें कहीं भी शुमार नहीं किया गया। सर सैयद के ज़माने में शुरू हुआ, उसको बहुत मकबूलियत हासिल थी और यूनिवर्सिटी की जो भी एमएओ कॉलेज की तारीख और वो जो है वो अगर किसी को ऑथेंटिक देखनी है तो वो गजट का ही हवाला देता है, गजट ही मोतबर जरिया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का तर्जुमान के तौर पर इस्तेमाल हुआ। बाद में गजट मुख्तलिफ जगहों पर गया और फिर ये पब्लिक रिलेशन ऑफिस के ज़ेर निगरानी आ गया। मुझे ये फ़ख्र हासिल है और इम्तियाज़ हासिल है कि मैं एक बहुत ज़माने तक उस गजट का एडिटर रहा हूँ। लखनऊ के जानकीपुरम स्थित सहारा स्टेट में लगातार 21 वर्षों से हो रही दुर्गा पूजा में अब की बार कुछ अलग अंदाज में मां का पंडाल भवन देखने को मिलेगा। अब की बार सहारा स्टेट में हो रही दुर्गा पूजा में मां का पंडाल नाव पर बनाया गया है। नाव की थीम पर बने इस भव्य पंडाल को देखने के लिए शहर के कोने कोने से लोग पहुंचेंगे। समिति के अध्यक्ष राम अवतार पांडे ने बताया कि माता रानी इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और उनके विसर्जन का मुहूर्त नाव पर है। पंडाल की थीम भी अब की बार नाव पर है। सचिव रीता घोष ने बताया कि नाव की थीम पर बने पंडाल का यह भव्य दृश्य देखने लायक होगा। मुझे लगता है कि इस मनोहर दृश्य को देखने के लिए शहर के कोने कोने से लोग एकत्रित होंगे। ये कार्यक्रम विगत 21 वर्ष से जो है चला आ रहा है, 22वां वर्ष है। सद्भावना सांस्कृतिक समिति जो है दुर्गा पूजा का आयोजन करती है, विशेष रूप से यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन का आयोजन, ये सारे कार्यक्रम हमारे यहाँ किए जाते हैं। और जो ढेर सारे स्टॉल लगे हुए हैं, माता का जो पंडाल बना हुआ है, ये सब अलग अलग थीम पर अलग अलग उस पर किया जाता है। अच्छा, और इस बार जो माता का आगमन है वो हाथी पर सवार होकर के आ रही है और उनका विसर्जन जो है नाव पे।
गोंडा जिले में पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने पुलिस कार्यालय में न्याय दिवस का आयोजन किया, जिसमें मुकदमे एवं अन्य मामलों में मिली शिकायतें के 16 प्रकरणों के शिकायतकर्ताओं पीड़ित पक्ष संबंधित विवेचनाओं को बुलाया गया, जिसमें 13 शिकायतकर्ता पीड़ित पक्ष एवं संबंधित जांच अधिकारी उपस्थित हुए। पुलिस अधीक्षक ने शिकायतों को सुनकर अभिलेखों की समीक्षा उपरांत मौके पर ही तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस के आपने आज तक कई रूप देखे होंगे, वहीं औरैया जिले की पुलिस का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें औरैया जिले की पुलिस की तारीफ के साथ साथ उनको धरती का रक्षक बताया जा रहा है। एक युवक अपनी बकरी को बचाने के चक्कर में एक जहरीले कुएं में जा गिरा, जिसके बाद युवक को ग्रामीणों ने निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई निकाल नहीं पाया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने कुएं में गिरे युवक को निकालने से पहले उसमें फैली जहरीली गैस को निकाला और घंटों के प्रयास के बाद कुएं से उस व्यक्ति को निकाला और अपने साथ उस युवक को गोदी में ले जाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया, जिसे अस्पताल में भेजा गया। मृतक की जान बचाने के लिए कई पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी के कर्तव्य के साथ साथ इंसानियत भी दिखाई। आज दिनांक 30 सितंबर 2022 को सायं करीब 5:30 बजे कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम अंजनपुर है, जहां पर एक बकरा कुएं में गिर गया था। बकरे को बचाने के लिए अमर सिंह सन ऑफ श्री कृष्ण उसमें कुएं में उतर गए थे। कुएं में जहरीली गैस होने की वजह से वो उसी में बेहोश हो गए थे। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, साथ में अपनी फायर की FSO की टीम, CFO औरैया, सभी लोग मौके पर पहुंचे। खबर सुल्तानपुर के LIC विभाग सुपरमार्केट से है, जहां लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले अभिकर्ता हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें सारे अभिकर्ता एकत्रित होकर तमाम मांगे कर रहे हैं, जैसे जिम नंबर 1 के एजेंट पार्टिबिलिटी पर विशेष दिन देना चाहिए और डायरेक्ट कमीशन रेट पर जो भी कमीशन घटाया जा रहा है, ऐसी तमाम मांगे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि यह मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हम लियाफी यूनियन के संगठन तले सारे अभिकर्ता एकत्रित हुए हैं। हम लोगों की तमाम मांगे हैं, जिसमें नंबर 1 एजेंट पोर्टेबिलिटी पे विशेष गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और डायरेक्ट कमीशन रेट पे जो भी हम लोगों का कमीशन घटाया जा रहा है उसमें जो है वही उतना रहे, ना बढ़े तो उसमें कमी आ रही है। इस पे और तमाम मांगे ऐसे हैं, कई बिंदुए हैं जिस पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। पॉलिसी धारकों के बोनस की वृद्धि में हम लोग जो है इस मांग को लेकर विशेष उत्साहित हैं कि पॉलिसी धारकों का बोनस में बढ़ोतरी हो। पॉलिसी धारकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट बोनस LIC निरंतर घटाती जा रही है और पॉलिसी धारक ही हमारे भगवान होते हैं। हम लोग यह लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं। दूसरे सबसे बड़ी बात जो है, भारत सरकार और IRDA निरंतर अभिकर्ताओं के हितों पर कुठाराघात करती जा रही है। जैसे हम लोगों का ग्रुप इंश्योरेंस सिर्फ 12 लाख का है, जबकि जब हम शाखा प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम की बात करते हैं तो उनका ग्रुप इंश्योरेंस 1 करोड़ का है। इतनी लिटिल अमाउंट 12 लाख की वो बहुत कम है। रायबरेली में जब पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये स्लोगन अब सिर्फ स्लोगन ही रह गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में शिक्षा के मंदिरों का नजारा देख आप कहेंगे अगर ऐसे ही पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। बता दें, एक तरफ सरकार सरकारी विद्यालयों में हर तरह की सुविधाएं देकर बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चला रही है और नौनिहालों को स्कूल में ही मिड डे मील देकर व्यवस्था को और मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रायबरेली जनपद के राही ब्लॉक में पूर्व माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुर में नौनिहाल के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें, राही ब्लॉक के रघुनाथपुर में बच्चों का बाल मजदूरी कराने का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें विद्यालय के बच्चों से मजदूरी कराया जा रहा है। बच्चों से मजदूरी कराकर कुछ अध्यापक सरकार की मंशा पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो वायरल होने से रायबरेली जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं BSA से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा।
रायबरेली में खीरो थाना क्षेत्र के सिमरी चौराहे के पास अज्ञात बाइक की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी हुए गंभीर रूप से घायल, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई और मौजूद ग्रामीणों ने इसकी सूचना सिमरी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची सिमरी चौकी इंचार्ज और खीरो थाना प्रभारी ने पहुंचकर घायलों को एम्बुलेंस द्वारा लालगंज CSC पहुंचाया, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। रायबरेली में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवकों को अज्ञात चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में CSC शिवगढ़ पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों की हालत को नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बता दें, दोनों युवक बांदा बहराइच हाईवे पर दौड़ लगाने गए थे, तभी शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत अहलगढ़ पेट्रोल पंप के पास बछरावा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सलोन क्षेत्र के ग्राम खमरियापुरी कुशल में मानसिक रूप से बीमार 52 वर्षीय महिला की कुएं में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को निकाला, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु की खबर सुनते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि लगभग एक वर्ष से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी, जिसका इलाज भी चल रहा था। साथ ही बताया, जब घर पर कोई नहीं था तो प्यास लगने पर कुएं की तरफ गई, जहां पानी भरते समय अचानक पैर फिसल जाने से कुएं में गिर गई। वहीं सूचना पर पहुंची सलोन थाना महिला SI पारुल राठी द्वारा पंचनामा कर अंतिम संस्कार किया गया। कैसे मृत्यु हुई है इनकी? माता जी हमारी बीमार, मानसिक रूप से बीमार, दवा चल रही थी। अच्छा, क्या हुआ? पानी भरने गए थे। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV।